मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा समाज के कमजोर वर्गों को न्याय प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है न्यायपालिका। सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने में ऊना जिला प्रदेश भर में अव्वल, पिछले दो वर्ष में 14,600 से अधिक नए मामलों को दी मंजूरी। शिमला नगर निगम के उपमहापौर व उपमहापौर का चुनाव कोरम पूरा न होने के चलते टला, कांग्रेस के पार्षदों के शामिल न होने पर चुनाव कल तक के लिए स्थगित। पौंग बांध विस्थापितों को न्याय दिलाने के लिए देहरा के विधायक होशियार सिंह ने दिल्ली में पौंग बांध विस्थापितों का रखा पक्ष, सरकार से विस्थापितों को उचित मुआवजा देने का किया आग्रह। प्रदेश वन विभाग द्वारा इंडो जर्मन जैव विविधता कार्यक्रम के तहत शिमला में पत्रकारों के लिए कार्यशाला का किया आयोजन। जैव विविधता कार्यक्रम के बारे में जागरूक करना और पत्रकारों के विचारों को जानना था इसका उद्देश्य। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने मार्च 2020 में होने वाली मैट्रिक व जमा दो परीक्षाओं की डेटशीट की जारी। 5 मार्च से शुरू होने वाली इन परीक्षाओं में लगभग 12,00,000 परीक्षार्थी लेंगे भाग। पूर्व सैनिकों ने राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को अपनी समस्याओं से कराया अवगत। राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात के दौरान पूर्व सैनिकों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर की चर्चा। पर्यटन नगरी डलहौजी में भारी बर्फबारी के बाद पर्यटकों की बढ़ी मुश्किलें। सड़कों पर फिसलन के कारण वाहन न चलने के चलते पर्यटकों को चलना पड़ रहा है 1 किलोमीटर तक पैदल। लाहौल स्पीति में भारी बर्फबारी से बंद पड़ी सड़कों को खोलने के कार्य में बीआरओ जुटा। रोहतांग टनल के आसपास हिमखंड के गिरने के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने लोगों को टनल की ओर न जाने की दी सलाह। प्रदेश में मौसम साफ होने के बावजूद कड़ाके की ठंड जारी। ऊपरी क्षेत्रों में अभी भी कई संपर्क सड़क मार्ग अवरुद्ध।